और जनाब अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ और अभी कुछ ही देर में छुट्टी होने वाली है और मेरी आज की वीडियो का बुनियादी मकसद आप लोगों को थोड़ी सी सैर कराना है फ्रॉम पेशावर टू चापसद्दा। उसका थोड़ा सा मैं आपको स्नैपशॉट देना चलूँ कि अभी हम निकलेंगे ऑफिस से और गवर्नर हाउस के सामने टर्न लेंगे, फिर तीनों रास्तों में से किसी एक रास्ते के इंतहा पर रहेंगे कि कौन से रास्ते पर मैंने मोटरवे तक जाना है, या तो फिर मैंने हाजी क्या माड़ी की तरफ जाना है, या फिर दलाजार रोड की तरफ जाना है, या फिर रंग रोड की तरफ जाना है। तीनों में से जो भी मेरे लिए फिजिबल हो उसी को मैं इख्तियार करूँगा और उसी के जाऊँगा राइट अप टू पेशावर मोटरवे M1 और उसकी आपको थोड़ी सी सैर कराऊँगा अप टू चापसद्दा। मेरे साथ चलिए और मेरे साथ होगा मेरा गुड बड़ी, मेरा सुजुकी मेहरान। तो लेट्स गो। पहले तो बारिश हो रही, भाई जनाब ये आप देख रहे हैं HKM अड्डा का स्टाफ है और साथ साथ BRT का स्टेशन भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे, रश की वजह से मैं काफ़ी सफ़र हुआ लेकिन ठीक है निकल आया। ये HKM अड्डा का स्टाफ है जी, पाकिस्तान के हर शहर से यहाँ के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं, डाइवो की ज़बरदस्त गाड़ियाँ, इसके अलावा और भी हैं, फ्लाइंग कोच भी हैं, आम गाड़ियाँ भी हैं, GLI XLI, तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाने के लिए। तो जनाब मेरे साथ चलिए। ये जनाब मैं रिंग रोड की तरफ जा रहा हूँ, इस वक्त आप ये बोर्ड देख रहे हैं इस्लामाबाद और N5 M1 सारा कुछ आप देख रहे हैं। मैंने निकलना है रिंग रोड की तरफ, अभी मैं जा रहा हूँ वहीं से मैं सीधा जाऊँगा मोटरवे पर M1 राइट टू चापसद्दा। ये रिंग रोड पुल है या इसको GT रोड पुल भी कहते हैं। ये जनाब मैं भी रिंग रोड की तरफ जा रहा हूँ और वहीं से आगे राइट टर्न लेंगे, या नहीं राइट नहीं लेफ्ट टर्न लेंगे मोटरवे के लिए। राइट जनाब मैं तकरीबन मैं पहुँच चुका हूँ मोटरवे, यहीं से अभी मैंने जाना है चापसद्दा। ये रिंग रोड है जनाब और रिंग रोड से होते हुए यहाँ से भी रास्ते जाते हैं लेकिन मैं चूंकि यूजुअली सहूलत के लिए मैं मोटरवे इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए राइट जनाब मैं मोटरवे मैंने एक्सेस कर लिया है, अब देखते हैं कि कितना वक्त लगता है चापसद्दा तक जाने के लिए। अच्छा जी हाँ आ जाए, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि अच्छा एक मिनट मैं ज़रा ही गाड़ी से निकल लूँ। ये जनाब आप देख सकते हैं जगह ब जगह आपको मोटरवे पुलिस की तरफ से हिदायत भी मिलती रहेंगी सीट बेल्ट के हवाले से। ये आप देख सकते हैं कि सीट बेल्ट बांध दीजिए पैसेंजर सीट बेल्ट, उसके अलावा आपको स्पीड का लिमिट भी आपको दिखा दिया है HTV हैवी ट्रैवलिंग व्हीकल के लिए 110 है, HV लाइट के लिए 120 है, जो कि नॉर्मली ऐसा है। ईटैग इशुएंस बूथ है 2 किलोमीटर आगे। ये जनाब रहनुमाई के लिए बोर्ड लगे हैं नॉर्दर्न बाईपास इस्लामाबाद। अच्छा जी मैं नॉर्मली ज्यादा स्पीड में लगाता नहीं, 50 और 60 यही मेरा स्पीड है मैक्सिमम, कभी कभी 70 लेकिन उससे ज्यादा ऊपर नहीं, 50 60 70 यही मेरा स्पीड है। अभी यहाँ पे सामने कांटा भी आएगा, कंप्यूटराइज कांटा जिसमें बाहरी गाड़ियों को उसके वजन को चेक किया जाता है, तो वो भी है। ये एक और रहनुमाई के लिए है मर्दान चतराल इस्लामाबाद लाहौर। तो ट्रकों के लिए क्या कि तमाम ट्रक बाएं मुड़े, अभी वो उसके वजन के लिए सारे के सारे बाएं की तरफ मुड़ेंगे, मोटरवे को साफ सुथरा रखिए बिल्कुल जनाब। अच्छा टूल प्लाजा के लिए लिखा है कि 1 किलोमीटर आगे हैं, अभी आगे नाकी भी आएंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स के और उसके अलावा एक्साइज का भी नाका है, तो वही भी एहतियात से जाएंगे।
ये अगर अगर आप लोग देख सके तो ये लैंडस्केपिंग वर्क है ग्रीन बेल्ट के लिए पीडीए की तरफ से। अभी इसको पानी वगैरह दिया जा रहा है, एक बंदा मास्क बेच रहा है, तो अभी नाके की तरफ बढ़ेंगे। ये जनाब पेशावर टूल प्लाजा है, मैं पहुंच चुका हूँ काफ़ी रश से निकल के। ये पेशावर टूल प्लाजा है, अभी यहाँ से एंट्री कार्ड लेंगे ताकि दूसरे प्लाजे पे दिखा सके कि जनाब कहाँ से मैं आया हूँ बगैर कार्ड के। तो अच्छा, ये एक दूसरी तरफ और ये भी और ये भी, ये पूल आप देख रहे हैं लैंडस्केपिंग के, बड़े ज़बरदस्त, क्या बात। ओके जी, अब मैं टूल प्लाजा से निकल चुका हूँ और अभी देखते हैं, मेरे पास पेट्रोल की भी कमी है तो देखते हैं कि पेट्रोल कहाँ पे मेरा ख़त्म होता है, क्योंकि अल्टरनेट मेरे पास सीएनजी है। तो ये चारसद्दा टू पेशावर या पेशावर टू चारसद्दा मोटरवे है M1 अब लाहौर उससे आगे, तो मैं इंतहाई बाएं तरफ रहूँगा सैर साइड के लिए। तो जनाब मेरे साथ चलिए, आपको सैर कराता चलूँ इस मोटरवे का। जगह बजना आपको एहतियाती तदाबीर के बोर्ड नज़र आएंगे। अभी ये है कि दोनों में एहतियात करें, ड्राइव केयरफुल इन फोक। अच्छा, सामने क्या है वही भी है कि दोनों में ओवरटेकिंग ममनू है, तो ये भी एक अच्छा है, अगर हम लोग अमल करें तो बहुत सारे हादसात से बच सकते हैं। जितना आप लोग एहतियात करें मोटरवे, इसलिए नहीं कि आप ओवर स्पीडिंग करें, मैं इस वक्त 50 और 60 में जा रहा हूँ, तो आप लोग एहतियात करें, ज़्यादा स्पीड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त पे इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, एक बोर्ड है लाहौर 490 किलोमीटर, फैसलाबाद 450 किलोमीटर, तो इस तरह के बोर्ड भी हैं आपकी रहनुमाई के लिए कि कितना फासला आप लोगों ने तय करना है। ऑल राइट जी, मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ काबुल रिवर ब्रिज, जो कि मोटरवे पे थोड़ा सा लंबा है और उसके दोनों साइड पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी है, नाका भी कह ले जो भी है, इसकी हिफाजत के लिए। ये रिवर काबुल ब्रिज है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ इक्वल है, और ये भी एक खूबसूरत सा नज़ारा है पूरा मोटरवे पे। तो खास करके हम चारसद्दा इंटरचेंज के करीब पहुंच जाएंगे जनाब। ये ब्रिज है रिवर काबुल का, इससे आगे जिंदी ब्रिज है, वो छोटा सा है, अभी उसकी तरफ जा रहे हैं। ऑल राइट जनाब, मैं पहुंच चुका हूँ चारसद्दा, फाइनली टूल प्लाजे के करीब में जा रहा हूँ ताकि वहाँ पे आउट मेरी एंट्री हो जाए। वहाँ पेशावर टूल प्लाजे पे इन एंट्री हुई है, अभी यहाँ पे आउट एंट्री के लिए मैं जा रहा हूँ और उससे आगे जाएंगे अपने घर की तरफ। ये देखे जनाब, बिल्कुल सामने चारसद्दा टूल प्लाजा, फाइनली आई एम हेयर, और तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं मेरे यहाँ तक पहुँचने में, आराम के साथ पहुँचने में, और अगर आप स्पीड लगाएंगे। अभी जनाब 30 रुपीज़ पे करेंगे अलॉन्ग विद कार्ड और इससे आगे जाएंगे फिर। ऑल जनाब, 30 रुपीज़ पे करने के बाद मैं निकल आया हूँ टूल प्लाजे से और आप सामने बोर्ड देख रहे हैं चारसद्दा का, तो फाइनली आई एम हेयर और मैं पहुँच चुका हूँ, अभी आगे जाएंगे मज़ीद। जनाब ये जिस रोड से मैं इस वक्त जा रहा हूँ इसको मिल रोड भी कहते हैं, क्योंकि सामने अभी आएंगे शुक्र मिल और पेपर मिल, और इसको नौशहरा रोड भी कहते हैं। अभी ये रोड जाएगी बिल्कुल सीधे चारसद्दा मेन चौक तक। इर्द गिर्द का इलाका काफ़ी ग्रीनरी है, आप देख सकते हैं। ये जनाब सामने बोर्ड है शुगर मिल और पेपर मिल का, यहाँ से ये हदूद शुरू होती है शुगर मिल और पेपर मिल की। ये आप देख सकते हैं फ्लाइंग क्राफ्ट, पेपर मिल एंड स्टील मिल। अभी तो ये ऑपरेशनल नहीं है, ख़राब हो चुके हैं, लेकिन ये जो स्टील मिल है ये अभी भी चालू है, चालू हालत में है, क्योंकि एक बंदे ने इसको ख़रीद लिया और इस पर थोड़ा सा काम करके उसने दोबारा से इसको शुरू कर दिया है महदूद पैमाने पर। ये भी जनाब शुगर मिल और पेपर मिल का इलाका है, आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना, आप देख सकते हैं जी। मुझे थोड़ी सी मुझे ख़रीदारी करनी है, मैं विलेज मार्ट में एंटर होने जा रहा हूँ,
विलेज मार्ट एक अच्छा सा स्टोर है चारसद्दा में, तो इसमें इंटर होने जा रहा हूँ मैं। ये जनाब आप देख सकते हैं विलेज मार्ट, तो मुझे थोड़ी सी ख़रीदारी करनी है, ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीदनी है। अच्छा जनाब मैं विलेज मार्ट में थोड़ी सी मैंने ख़रीदारी की, एक सैनिटाइज़र ख़रीदा है क्योंकि कोरोना वायरस का मामला आजकल बड़ी रूज पे चल रहा है। एक अपने लिए एक ड्रिंक ख़रीदा है माइलो का, और मैं ड्राई फ्रूट भी लेना चाह रहा था लेकिन वो उनका स्टॉक तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन खैर है अभी जाएंगे घर। राइट जनाब ये मैं जिस इलाके से गुजर रहा हूँ ये कब्रिस्तान के बीचों बीच एक सड़क है जो कि हमारे घर की तरफ जाती है, लेकिन आपको बताते चलो इस पर मेरी वीडियो भी है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज की मेरी वीडियो है मेरे चैनल की इसी कब्रिस्तान के बारे में कि ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये आप देख सकते हैं इसकी कोई हद ही मालूम नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। आप ये देख लें ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, ये आप देख लें हर तरफ कब्रें कब्रें हैं और काफ़ी पुरानी कब्रें भी हैं इसमें, काफ़ी लंबी चौड़ी कब्रें भी हैं, मैं उसकी एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान चारसद्दा में है। रास्ता तो वैसे मेन चौक से भी निकलता है लेकिन उस पर रश चूंकि ज़्यादा होता है दिन के वक्त में, तो ये सेफ साइड की लिए और थोड़े से आराम के साथ जाने के लिए मैंने इसलिए रास्ता चुना है जो कि कब्रिस्तान को बीचों बीच चलता है चारसद्दा ओल्ड बाजार की तरफ। तो अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ आप लोगों को साथ लेके। ये जनाब चारसद्दा का एक मशहूर मस्जिद है, मशहूर मस्जिद है चारसद्दा की गाजीगुल बाबा के नाम से, और अभी हम पुराना बाजार चारसद्दा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपको तकरीबन हर चीज़ की दुकानें मिलेंगी, क्या आप देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स और पता नहीं क्या कुछ कबाब चाय हर चीज़ अवेलेबल है, ये बेकरी वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है। जनाब आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने घर के करीब होते जा रहा हूँ। ये चारसद्दा के मशहूर आलिम मुफ्ती अब्दुल्ला शाह साहब का घर है, ये आप देख सकते हैं, ये जिसके सामने ब्रेकर है ये उनका घर है जनाब आप देख सकते हैं। और ये चारसद्दा का पुराना बाजार है, इसकी भी ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है शायद आप लोगों ने देखी हो शायद। ये जनाब मैं अपने हुजरे में एंटर हो चुका हूँ और फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का और अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।